नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के आप लोग के CUPT पर से लेटेस्ट न्यूज़ में बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संभावित परीक्षा तिथियाँ हुई हैं घोषित, तो इस संबंध में क्या है लेटेस्ट अपडेट, तो आइए जानते हैं। जितने भी आप लोग एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी की तिथियाँ फिलहाल जो है संभावित घोषित की जा चुकी हैं, तो आइए जानते हैं इस संबंध में क्या जानकारी आई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज की अपडेट है 8 जुलाई 2019 की। तो यहाँ पर देखिए क्या आवश्यक सूचना दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष संपन्न लिखित परीक्षाओं अथवा अब तक की प्रकाशित विभिन्न ऐसे विज्ञापन जिनके संबंध में लिखित परीक्षाएं आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, इनके संबंध में अद्यतन स्थिति एवं अग्रेतर कार्यवाही की सूचना जो है निम्न सारणी में दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है, पूरी सभी परीक्षाओं से संबंधित 2 जुलाई 2019 तक की पूरी रिपोर्ट है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया है विज्ञापन संख्या, ये आप लोग का पहला ब्लॉक दिया गया है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 9/2/2016 के अंतर्गत जो परीक्षा है आप लोग की आवकारी परीक्षा सामान्य चयन 2016, वर्तमान स्थिति जो है यहाँ पर इसकी ये है 25/9/2016 को स्क्रीनिंग परीक्षा संपन्न हुई थी और इसकी जो कार्रवाई चल रही है फिलहाल है सतर्कता जाँच प्रचलित है। फिलहाल देखते हैं सेकेंड पॉइंट आप लोग का दिया गया है यहाँ पर विज्ञापन संख्या 12/2016 के तहत जो आप लोग का सम्मिलित सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की तिथि है, यहाँ पर जो है वर्तमान स्थिति जो है 10/12/2018 को साक्षात्कार संपन्न हुआ है और इसकी जो है प्रस्तावित कार्यवाही यहाँ पर दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ का चयन परिणाम घोषित किए जाने पर स्थगन आदेश। इसके बाद देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, पहले आप लोग को सबसे पहले तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं यहाँ पर कि लोअर पीसेस की जो है प्रस्तावित डेट क्या है। देखिए ये विज्ञापन संख्या आप लोग की एक परीक्षा 2019 के तहत जो आप लोग का परीक्षा का नाम है वो है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो यहाँ पर आप लोग का दिया गया कि आवेदन पत्रों का सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है वर्तमान स्थिति के संबंध में, और अगर हम बात करें प्रस्तावित कार्यवाही की तो इसके बाद जो है आप लोग का अगस्त 2019 के प्रथम पक्ष में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना जो है प्रस्ताव प्रकाशित किया जाना इसमें संभावित है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि अगस्त 2019 के प्रथम पक्ष में पाठ्यक्रम यानी कि आप लोग का सिलेबस और परीक्षा योजना जो है प्रकाशित किया जाना संभावित है। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए, तो देखिए इसका भी यहाँ पर फिलहाल लगभग जो है आवेदन पत्रों का सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसकी जो प्रस्तावित कार्यवाही है वो है अगस्त में, ये भी 2019 में इसका भी सिलेबस और परीक्षा योजना का जो कार्य है वो प्रकाशित हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आप लोग का जो अभी हाल ही में जो आया है चार, और जिसका यहाँ पर विज्ञापन संख्या है 4/2019। तो देखिए इस संबंध में जो अगर हम बात करें परीक्षा जो है वो है कनिष्ठ सहायक की, तो देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल जो है 26/6/2019 इसका विज्ञापन जो प्रचलित हुआ है, और अगर हम बात करें सिलेबस की तो देखिए इसका सिलेबस और ये एग्ज़ाम ये भी आप लोग का जो है अगस्त में जो है आप लोग का इसका सिलेबस और एग्ज़ाम ये प्रकाशित किया जाना संभावित है। तो फिलहाल अब आप लोग देखिए हमारे चैनल पर UP SSC के रिगार्ड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने कई सारी आप लोग के लिए अपलोड कर भी रखी हैं, लेकिन अब से क्या करेंगे एक स्पेशल UP SSC के नाम से आप लोग की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी जो कि जितने भी आप लोग के एग्ज़ाम जैसे कि प्रस्तावित होने वाले हैं जिसमें आप लोग के नाम दिए गए हैं विभिन्न एग्ज़ाम जैसे कि लेखाकार एग्ज़ाम, तकनीकी सहायक का एग्ज़ाम, ठीक है ना, नलकूप चालक, सम्मिलित प्राविधिक, गन्ना पर्यवेक्षक, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आप लोग एग्जाम में आने वाला जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा तो एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी स्पेशल क्लास जिसमें आप लोग को हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए मिक्सअप में क्वेश्चन रहेंगे, मतलब लेवल उसमें नॉर्मल भी रहेगा, लेवल मॉडरेट भी रहेगा और लेवल डिफिकल्ट भी रहेगा, जिससे कि दोस्तों एक साथ आप लोग मिलकर पढ़ सकेंगे। और अगर आप लोग हमारे इस मिशन में साथ देना चाहते हैं तो हमारे साथ लग जाइए, नीचे आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, सभी लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल और ग्रुप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग के इन सभी एग्ज़ाम के रिगार्ड सारी क्लासेस मिलती रहें। तो जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम है जैसे कि सबसे पहले आप लोग का होगा आबकारी परीक्षा, इसके बाद दिया गया यहाँ पर सम्मिलित सहायक लेखाकार, इसके बाद दिया गया सम्मिलित तकनीकी सहायक, वर्तमान स्थिति क्या है ये सारी आप लोग को जानकारी दी गई है। फिलहाल ये PDF फाइल का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिस भी परीक्षा का संबंध आप लोगों से हो आप लोग उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गन्ना पर्यवेक्षक की तो गन्ना पर्यवेक्षक का जो यहाँ पर दिया गया प्रस्तावित कार्यवाही ये 31/2019 को लिखित परीक्षा इसकी संभावित है, यहाँ पर डेट बता दी गई है। वाहन चालक की बात करेंगे तो ये भी कार्यवाही हेतु शासन से मार्गदर्शन प्रतीक्षित है।
सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा जो आप लोग का 2016 का जो एग्ज़ाम था, ये आपका 28 जुलाई 2019 को होगा। तो एक एक एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर जो है फिलहाल बता दी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर, गणित सहायक का जो आप लोग का 2016 का पेपर है वो आप लोग का आंसू लिपिक परीक्षा, ठीक है ना, सम्मिलित अवर अभियंता, गणित सहायक 2017 का, तो बहुत सारे एग्ज़ाम जो है आप लोग रुके हुए हैं, तो इन सभी को कंप्लीट कराने का फिलहाल यहाँ पर फिलहाल सरकार ने जो है ये मुहिम उठा लिया है। तो फिलहाल उल्लेखनीय है कि उपयुक्त सारणी स्तंभ 4 के आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों की वर्तमान स्थिति का स्तंभ संख्या 5 में उनके सापेक्ष प्रस्तावित कार्यवाही का उल्लेख किया गया। फिलहाल जो भी इन्फॉर्मेशन आगे आएगी इसके रिगार्ड आप लोग को बताया जाएगा, लेकिन अब आप लोग तैयारियों में लग जाइए क्योंकि आयोग भी सतर्क हो चुका है। अब आयोग भी जो है दोस्तों फिलहाल आप लोग का पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, आप लोग एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराए जाएंगे, तो आप लोग भी अपनी स्टडी पर फोकस कीजिएगा। जितने भी यहाँ पर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ पढ़ते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है चाहे वो आप लोग के लिए आसान हो चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट को लेकर चलना है, जिनको कुछ नहीं आता, जिनका लेवल बहुत ही बेसिक सा है, तो बिल्कुल हर टाइप को लेकर चलना है। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन आसानी मिलेंगे, डिफ़िकल्ट भी मिलेंगे, मॉडरेट लेवल का मिलेंगे, तो हमारे साथ लग जाइए दोस्तों इस सफ़र में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसके रिगार्ड में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोग को अप टू डेट किया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।